में आते हैं सीधे किसके पास, 7.4 के पास आते हैं। चलो चलिए तो 7.4 के पास चले और क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे किसके पास पहला से। चलो हल करते हैं, आप देखो ध्यान से सब। पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है इसमें कि 3x² (x+6+1)(dx), ठीक है। दूसरा यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग, दूसरा आपका है (dx)(1+4x²). लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखना, इसमें जो सूत्र आप यूज करेंगे समाकलन, पहले समाकलन आपका होगा 1/(1+) अगर (x²) (dx) है तो इसके जगह पर 10^(x) लिखेंगे। और दूसरा आपका होता है कि समाकलन एक कलनी में (x²-1)(dx) है तो इसके जगह पर (sin−1)(x) लिखेंगे। और तीसरा है समाकलन 1/(x) कलनी में (x²-1)(dx) है तो इसके ऊपर (sec·1)(x) तो माइनस में रहेगा। साइन का ही सेम टू सेम फार्मूला होता है, लेकिन जहाँ एक है ना तहाँ माइनस एक रहेगा, बस इतना याद रखना है। बस जहाँ एक होगा तहाँ माइनस एक होगा, ठीक है। चलो इसमें रूल का होगा, देखो इसमें जो भी सवाल आप हल करेंगे इसका रूल ये होता है कि हमेशा ऊपर दो होना चाहिए, ऊपर हमेशा का होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो इस कई क्योंकि सबके ऊपर दो है, देख रहे हो। अच्छा इसका मतलब है कि एक ऊपर हमेशा दो छुपाई रहता है, लिखो चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ भी रहेगा तो लिखेंगे। हमारा टारगेट रहेगा इस अभ्यास में जितने सवाल हैं सबको इसी रूप में बनाने के लिए। तो चलो अब देखो समाकलन 3x²(x+6) है तो (x³) करके इसके ऊपर दो प्लस (1+2)(dx) दो होना चाहिए, ठीक है। 3×2=6 हो जाएगा। अब इसको मानो, माना कि (x³)(3) कितना टी, अवकलन करो। चलो अवकलन करो तो 3 आगे आ जाएगा, (3x²)(dx) का आ जाएगा dt, (3x²)(dx) हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इतना तो हो गया। अब इसका आप अवकलन करेंगे, अवकलन हो गया ना, एक काम करो (dx) हो जाएगा (dt)/(3x²), (dt)/ कितना आ जाएगा (3x² हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मान भरो, डायरेक्टली मान भरो यहाँ पर, तो 1/(1), जहाँ x पर क्या है 6 है, जहाँ x पर आपके पास 6 है तो क्या करेंगे। जब x पर 6 है तो सिंपली बात है कि यहाँ पर आप टी लिखे हैं तो टी के ऊपर दो और प्लस 1 के ऊपर दो है ही है, और यहाँ पर (dt)/(3x²) और यहाँ पर 3x² कट दो। तो यहाँ से आप क्या काम होने लगे, कुछ नहीं, सिर्फ इतना बच गया है 1/(t²+1)(dt), और एक इसका फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया (tan−t + c) का। (tan−) ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ टी है टी को माने (x³)/(3)+c या हमारे आंसर बन गया। समझिए बताओ, सीखे कि नहीं सीखे, जब ये बात आपसे पूछा जाएगा तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए अच्छा इसको कैसे हल करेंगे बाबू, (dx)/(1+). अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ध्यान रखना सब लोग ध्यान रखना कि इस चार को हम लोग बाहर निकालते हैं, चार को बाहर निकालते हैं। अगर बाहर नहीं निकालना चाहते तभी हो जाएगा, ऐसे कर्णी में 1+ तो 2x² का हो, चार है तो 2x² होगा, ठीक। अच्छा एक काम करता है, आप जो भी माने उसको मानना पड़ेगा। माना कि क्या 2x = t, अवकलन करोगे तो 2x·dx = dt, तो dx² का हो जाएगा dt/2, समाकलन हो जाएगा ऊपर डी। अब तो मान लो कि एक लिखो नीचे, 1 का स्क्वायर तो सही कर सकते हो, (it)² कर लो और यहाँ पर (dt/2), 1/2 लिखो। अब इसमें देखो कोई फार्मूला होता है का, होता नहीं है इसका, मैंने इसमें से तो कोई नहीं, लेकिन होता है, इतना जरूर ध्यान रखना। देखो मैं लिख रहा हूँ 1/(1)) में अगर (a²+x²)(dx) है तो इसका सूत्र होता है (log)(1) में, log पहले तो आपका x होगा प्लस (1)) में (x²+a²), जब उनमें से कोई नहीं आया तो देख लो उस रूप में नहीं है, प्लस है। अब प्लस में है (1)) नहीं रहता तब आप (tan−1) वाला लिखते, (1)) नहीं होता इसमें, जैसे यहाँ पर (1)) नहीं है, लेकिन इसमें (1)) है तो वाला आप यूज करेंगे 1/2 log(t), अतः माने (x)/t है ना, (x)/t है, ठीक है। और यहाँ पर जगह है 1² + t² इसको आप लिख दीजिए, तो 1/2 log लिखिए और t के जगह पर जो माने हैं क्या माने हैं 2x, तो 2x लिखिए प्लस
यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? वन प्लस, जहाँ पर टी है यहाँ पर, यहाँ पर ठीक है, हाँ टू एक्स रखोगे फिर स्क्वायर करोगे तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे टू एक्स का होल स्क्वायर करोगे ना डबल करोगे तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कुछ सीखे दोनों सवालों को? हाँ सबसे मेन है इसमें फार्मूला बाबू, कब कैसा फार्मूला लगेगा, बस इतना जानकारी रखो, इसको याद रखो। अब तो मान लीजिए कि आपका देख ही रहे हैं सेंटर वेंटर के क्या हाल चाल है, इसीलिए आप तनिक अच्छा से पढ़ाई कीजिए, एक भी सवाल बोर्ड में नहीं छूटना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री के पास आ जाओ, थ्री यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। समाकलन है वन अपान कर्णी में टू माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वन, वन के ऊपर तो वैसे ही लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। और क्वेश्चन नंबर चार होगा, समाकलन है आपके पास वन अपान कर्णी में नाइन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा इन सवालों में क्या है ना, इसमें क्या है इसको मान लो, बस बात खत्म, इसमें इसको मानना पड़ेगा, लेकिन 25 है ना तो 25 और एक्स को दोनों के एक साथ बना कर तब मानना पड़ेगा, तो इसको हल करो। माना कि 2x माइनस एक्स बराबर टी, अवकलन करो इसका जीरो इसका माइनस एक, डी एक्स बराबर डी टी तो डी एक्स बराबर केवल माइनस डी टी। नहीं ये एक्स है ना, नहीं रख सकते बिना माने हुए, कोई सवाल मत लगाना ठीक है। चलो एक इतना माने ये नहीं है कि तो अब हम लोग डायरेक्टली रख दोगे ना तो ये माइनस नहीं आ पाएगा, इसलिए मान के ही लगाओगे तब क्लियर ठीक है, तो हो जाएगा कि हमने इसको डायरेक्टली लगाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, हमें मिस्टेक नहीं रहता। चलो डी एक्स पर माइनस डी टी हो गई, अब इस माइनस को आगे निकाल लो और कौन सा फार्मूला होगा, फिर वही फार्मूला आ गया यही वाला, देखो लाग लिखो अब जहाँ एक सता पर टी रखो फिर बाई जंग आया टी स्क्वायर प्लस एक वैसे लिखो प्लस सी लिखो माइनस लॉग लिखो टी के जगह पर जो माने हैं ना ये है दो माइनस एक्स। अच्छा एक पूरा कर्णी के अंदर पूरा हल करोगे ना तो फिर इतना ही आ जाएगा जितना सवाल में दिया, कितना दिया था सवाल में है दिया है ना दो एक्स स्क्वायर, वही तो रखोगे तो वही तो आएगा प्लस सी समझे। इसको चलो पहले इसको सरिया के लिखो, एक बटा नौ है तो तीन का स्क्वायर, पच्चीस है तो पाँच एक्स स्क्वायर ठीक है, तो एक बटा तीन के स्क्वायर कितना आ जाएगा नौ। अच्छा अब इसको मान लेते हैं क्या करें, मान लें क्या मानेंगे पाँच एक्स को मान लो ठीक है, पाँच एक्स को मान लो हल हो जाएगा, सब लोग मान के हल कर लोगे बताओ हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें ठीक है, मान लो कि आ जाएगा आंसर तुम्हारा। हाँ ये तो फार्मूला पर है शायद, चलिए किसको किससे मानना है देखो ये जैसे है वैसे ही लिख लो। चलो आप आराम से आ इसको मानिए, माना कि 5x बराबर टी अवकलन करो, अवकलन करो ठीक बताओ 5 वैसे ही रखो डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी बटा 5 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और यहाँ पर डी टी बटा 5। अच्छा एक और तरीका है, 5 यहाँ से 25 कॉमन भी लेकर कॉल कर सकते आपकी इच्छा, चलिए एक बार 5 कॉमन ले लो। अब ये साइन वाला सूत्र माइनस आ चुका है देखो, और यहाँ पर देखो माइनस आए आपको साइन वाला सूत्र पर ये वाला है, बस सिंपल सूत्र। अच्छा यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना, एक का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है बाद में एक्स होता है, तो बाद में टी है ठीक है, तो होगा साइन इनवर्स टी बाई 3 प्लस सी ठीक है, साइन इनवर्स टी के जब क्या रखोगे जो माने हो 5 एक्स और बट्टा में नीचे 3 है तो 3 रख लो, देख लो ध्यान से सब लोग बन जाएगा ना। पहले अगर एक्स रही तो हाई आई देखो एक और लिखा था समाकलन करने में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो तो लाग एक्स प्लस करने में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक, देख लो माइनस के लिए दो सूत्र है देख रहे हो ना, मान लो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है तो बाद में अगर एक्स रहेगा माइनस के साथ तो साइन और पहले एक्स रहेगा तो ये वाला दोनों सूत्र याद रखना ठीक है।
ओके मिटा दो इसको, देख लेना कौन कौन सूत्र आप यूज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट का मतलब होता है कि क्वेश्चन नंबर आप फोर है ना, फाइव और सिक्स। ठीक है, तो फाइव नंबर क्वेश्चन हमारे पास है बाबू, दिया गया है समाकलन 3x अपॉन 1 + 2x पर 4 dx। ठीक है, सिक्स नंबर आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - x के ऊपर 6 dx। तो कैसे हल करना है देखो, इसको आप इसको समाकलन निकाल दो 3x अपॉन 1 + हाई देखो 2x है ना। अच्छा इसको स्क्वायर करना, कली में 2 मान लो, कली में 2 होगा तभी स्क्वायर होगा, हाई x पर 4 बात x पर 2 मान लो, तब इसके ऊपर 2 लिखो इंटू डी एक्स। अब इसको मान लेना है, क्या करना है मान लेना, माना कि कली में 2x स्क्वायर t, यहाँ पर अवकलन करने को अवकलन करने को, तो कली में 2 होगा भाई 2x इंटू डी एक्स बराबर dt, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा dt बटा 2 करने में 2x। ठीक है, पूरा मान भर दो ऊपर 3x कहेंगे लिखो, एक वैसे ही लिखो, आपने इसके जगह पर टी माना है तो टी को ऊपर 2 लिखो, आई डी टी बटा 2 करने में 2x, एक्स से एक्स कर। ठीक है, ये बाहर निकालो 3 / 2 करने में 2 tan inverse t + c, 3 / 2 करने में 2 tan inverse t, टी की जगह पर तब आकाश पढ़ाइए छोड़ो नहीं क्या प्रमोट हुई तो बीमा सूची के प्रमोट हुई। ठीक है ना, अभी तक कर लो वहाँ डर लगता है, पढ़िए छोड़ मत दे लोग हाँ। अच्छा इसको काम, इसको एक काम करो, एक्स स्क्वायर बटा 1 - x पर 3 इसके ऊपर 2 × d, ऊपर 2 ही होना चाहिए बस कुछ भी रहे। अब इसको मान लेना है, माना कि एक्स पर 3 = t अवकलन करो, तो 3x² dx बराबर dt, तो डी एक्स हो जाएगा dt अपॉन 3x². ठीक है, चलो अब इसको हल कर लो। अब इसको हल करोगे तो क्या होगा, जब एक ऊपर तो x² ऐसे ही रखो, नीचे 1 - x/6 है ना, 6 × 3 = 2 × dt / 3x² कैंसिल, तो अच्छा ये जब माने हैं ना t² चलो 1/3 के बाहर क्या बचा 1/1 - t² देखो इसका भी एक सूत्र होगा, नहीं टेन इनवर्स नहीं होगा जब माइनस है तो इसका ये सूत्र होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ वन अपॉन टू ए लाग ए प्लस एक्स आई माइनस एक्स और एक बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर पहले एक्स बा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1/2 ए लाग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। चलो तब हल हो गया, 1/3 लिख लो और क्या होगा 1/ क्या है 2 है ना, तो 2 आई ए का मान तो 1 है, लाग ए प्लस टी, देखो पहले ए का मान, ए का मतलब अच्छा बटा में 1 - t हाँ सी, तो 1/3 × 6 लाग 1 + t के जगह पर क्या माने हो x/3 है ना, x/3 - x/3 + c आंसर, देखो समझ लो बन जाएगा सबसे। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट के पास आते हैं। चलो खूब ध्यान से पढ़ना, आप तो मैं 2-2 घंटा हम लोग पढ़ेंगे जब भी छुट्टी रहेगा, ठीक है ना, जब भी छुट्टी रहेगा 2 घंटा, शनिवार के भी 2 घंटा, संडे का भी 2 घंटा, अब खाली 10-12 पर ही ज़्यादा ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 7 के पास, 7 नंबर x - a बटा में x² - a × dx। 8 नंबर है, 8 नंबर आपके पास है कितना, समाकलन x² / कलनी में
एक्स पर सिक्स प्लस ए पर सिक्स इंटू डी एक्स। अच्छा ये बताओ भाई, सवाल को देखकर क्या नजर आ रहा है? अलग अलग कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है? अलग अलग कर दो, जैसे यहाँ पर देखो एक्स बटा करनी में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स और माइनस एक बटा करनी में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। भाई तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में आ गया, किसका कोई फार्मूला होता है? देखो कोई फार्मूला होता है, ये वाला है ना, लॉग एक्स प्लस करनी में जगह एक्स स्क्वायर माइनस, और ये वाला तो मान करके हल करोगे। देखो जब बताते माना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर टू टी, आकलन करो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी बाई टू एक्स, ठीक है? अब इसमें रख दो तो एक्स ऊपर लिखो नीचे कलनी में, अच्छा कलनी हटाओगे ना तो टी के ऊपर एक बटा दो आ जाएगा, और डी एक्स के ऊपर ये आया है डी टी अपान टू एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, वन अपान टू बाहर, कौन माइनस क्या एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस एक जीरो ना हो होता, ऊपर आ गया माइनस एक बटा दो आई डी टी माइनस लाग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब सुने ध्यान से सब लोग, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, बस सिंपली बात है कि आप इसको समाकलन कर लेंगे तो टी के ऊपर माइनस एक बटा दो प्लस एक जोड़ो, माइनस एक बटा दो प्लस एक जोड़ो, माइनस लाग लिखो एक्स लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक लिखो प्लस सी लिखो, टी के जगह रख दो, हल हो जाएगा, छोड़ दिया टी के जगह भर दो। अच्छा ये सवाल बहुत सिंपल ही है भाई, एक्स को ऊपर दो है बटा में एक्स को ऊपर तीन करके इसको ऊपर दो करो, आइयो तीन करके इसको ऊपर दो करो, ऊपर दो ही होना चाहिए, बिना माने हुए इसको हल नहीं कर पाओ। माना माना कि एक्स पर थ्री बराबर टी आकलन करने पर थ्री आ गया एक्स स्क्वायर डी टी डी एक्स डी टी बटा थ्री एक्स स्क्वायर रखा जाओ, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे टी के ऊपर दू हाई एक के ऊपर थ्री इसके पास दू यहाँ पर डी टी बटा थ्री एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कैसे वन अपान थ्री। अब ये किसका सूत्र हुआ मालूम है? फिर लाग वाला आएगा ना, लाग पहले जगह टी बटा टी वही प्लस कॉलोनी में जितना का उतना लिखा जाओ टी स्क्वायर प्लस ए पर थ्री का स्क्वायर प्लस सी, तो एक बटा तीन हो गया लाग टी के जब काम बनाया है ना एक्स पर थ्री, तो अभी रखा ही रही एक्स पर थ्री और तीन दुना छः आइयो एक पर छः। अच्छा कब ऐजा होला ना जन दला तो उन्हें लिखा जला हो बन गया लिखला जरूर करने, माने कहना पता चले गया कि अगर इना लिखी तो माने डायरेक्टली कुछ समझेगा, माने वो तो समझ जाएगा टीचर, लेकिन तनिक लाइन लिख देगा तो माने आदमी जान जाएगा, मान लो डायरेक्टली ना लिखल जाए मान मान लगे क्यों भी क्या समझ के ना आ गई मान ये याद हो जाएगी, जब सवाल लगाया जाएगा ना तो याद हो जाएगा। वैसे तुम लोग को याद भी हो गया हो जाएगा, सब हो जाएगा, जिसको याद है तो सही है, नहीं याद है तो याद हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ चलो, तो देखो यहाँ से पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। देखो हम बताते हैं क्यों, क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 नंबर समाकलन है और कर दिया गया है एक बटा कलनी में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। पहले तो जान जाओ हमेशा रोल, हमेशा एक रूल होता है कि दूसरा पद में पहला पद से भाग दे दो, इसका रूल होता है। देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दूसरा पद बटा में दो गुणा करनी में पहला पद पूरा का होल स्क्वायर, तो पहला पद दूसरा पद तीसरा, तो दूसरा पद कितना हुआ दो एक्स बटा में दो गुणा पहला पद करनी में एक्स स्क्वायर जब रखा ही ना इसका होल स्क्वायर, तो दूसरा पद बटा में दो गुणा इस सब सिस्टम का क्या लगा होता कि हमें गोट आ जाओ बस इसके रूप में लाने के लिए यूज कर रहा है, निकल जाएगा एक्स इसका होल स्क्वायर पूरा कट गया तो एक का स्क्वायर हो गया। अब इसमें करना ये है कि एक का स्क्वायर जोड़ दो एक का स्क्वायर घटा दो इंटू डी एक्स, ठीक है? इतना समझ गए सब लोग? अब आपको आराम से सही कर देना, जो आएगा उसको जोड़ देना घटा भाई हटा देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स और प्लस वाला लेकर इसके पास आ जाते हैं आई दो आगे बढ़ कर माइनस एक इंटू डी एक्स। और सुनो
जैसे कोनो सूत्र हो जाए, कौन सूत्र, एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर का, दो में से गए थे एक का स्क्वायर, देखो गोट आ गया ना उस फार्मूला पर। अब इसको एक्स प्लस वन कहा है का मानवा तब को फायदा ना हो क्योंकि डी एक्स डी टी आ जाए, तो डायरेक्टली इसको सूत्र पर लिखो कॉमन लाग एक्स प्लस टू प्लस कॉलोनी में मान कोष्टक के अंदर जाएंगे भाई एक्स प्लस वन का होल एक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है तो लाग लिखो। और अब तो मान लो एक्स प्लस वन ही रहेगा, कॉलोनी के अंदर जो सवाल दिला बन भाई वे आ जाए हल के एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो प्लस सी आंसर, ठीक। तो इतना रहने देते हैं, बाकी हमने क्या एक आगे आओ।